सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं? तुम लोग वही हो जो संदीप माहेश्वरी के शो में मिले थे है? क्या नहीं समझ में आया? चलो दिखाते हैं तुम्हें। सर मेरा यूट्यूब चैनल है मिस प्रिया नाम से, आप प्रमोशन कर दो। मैं कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। इतने ऐसे कुछ समझ में आने वाला है नहीं तुम्हें, तो एक और देख लो। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं ऑफिशियली सॉन्ग डालता हूँ, 2-3 महीने पहले से करते रहता हूँ। मैं स्पाई म्यूजिक करके मेरा चैनल है, प्लीज अगर वो कर सब्सक्राइब करवा दो। मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, अगर मैंने कर दिया जी ठीक है ना, तेरे हो जाएंगे, तेरे 1 लाख भी हो जाएंगे। यस सर। लेकिन तेरे व्यूज उतने ही आएंगे। कोई बात नहीं सर, मैं मेहनत करता रहूंगा। मैं समझा नहीं तू, एक होती है देख, एक जनता दी जाती है और एक कमाई जाती है, तेरे को कौन सी चाहिए? कमाना है सर, ये तो लोगों का प्यार चाहिए। एक मेरी हवा हो जाएगी एक कि भाई मैं आया ठीक है, मैंने तेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, कैरी ने तो आगे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, बट उसके बाद तेरा चैनल डेड हो जाएगा, तेरे को मंजूर है? नहीं सर। तो कमाना भाई। कैरी भाई ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है, इसलिए आप सिर्फ अपने बैकग्राउंड पे ध्यान दो, स्टूडियो पे ध्यान दो, वॉइस क्वालिटी पे ध्यान दो, थंबनेल पे ध्यान दो, ना कि आप यूट्यूब पे ज्ञान के चोदों के चक्कर में पड़ो कि टैग कैसे लगाएं, एसईओ कैसे करें, यूट्यूब कैसी सेटिंग कैसे ऑन करें जिससे व्यूज की बाढ़ आ जाए चैनल पे। भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? देखो YouTube पे वायरल होने की कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ, बेशक मैं वायरल नहीं हुआ हूँ, मैं पनौती हूँ ठीक है। अगर आपको YouTube पे वायरल होना है तो आप एक वीडियो चाहे 5 दिन में बनाओ चाहे 10 दिन में बनाओ, ऐसी वीडियो बनाओ जो कि अगर सामने वाला देखे तो वो आपकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करे। और अगर आप सौरभ जोशी की तरह एक डेली वीडियो इंटरेस्टिंग अपलोड कर सकते हो अपने व्यूवर्स के लिए तो आप वो भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सी कीमत पे भी नहीं, ना 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 ना। और ये जो YouTube पर यूट्यूबर बताते हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, वीडियो को वायरल कैसे करें, इससे सिर्फ इन्हीं की ही वीडियो वायरल होती है, आपका कुछ घंटा नहीं होता है, इससे सिर्फ इन्हीं की ही वीडियो वायरल होती है, क्योंकि आप जैसे करोड़ों अरबों लोग बस दिन भर यही देखते रहते हैं कि वीडियो वायरल कैसे करें, वीडियो की ऐसी सेटिंग कौन सी ऑन कर दें जिससे वीडियो वायरल ही हो जाए। भाई साहब रन लो, बहुत बुरे लग रहे हो। ऐसे यूट्यूबर ये भी बताते हैं कि आप अपने चैनल की ऐसी सेटिंग ऑन कर दो जिससे आपके चैनल पर व्यूज की बाढ़ आ जाएगी। इवन ये भी बताते हैं कि एसईओ कैसे करें, टैग कैसे लगाएं, टाइटल कैसे लगाएं, वीडियो को पाकिस्तान से जाके अपलोड करें। है? देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब आपको पागल बना के, आपको चूतिया बना के पैसा कमा रहे हैं। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है? देखो सब्सक्राइबरों को अपने आप बढ़ने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ, अगर तुम अपनी टांग अड़ाओगे तो अपना ही फ्यूचर खराब कर लोगे, इसलिए अपने आप बढ़ने दो। सिर्फ आप अपने कॉन्टेंट पे मेहनत करो, बैकग्राउंड पे मेहनत करो, ऑडियो क्वालिटी पे मेहनत करो, स्टूडियो अच्छे से अच्छा बना लो, थंबनेल अच्छी से अच्छी बना लो। और एक चीज और बता दूं, मेरे से ज्यादा भला इंसान नहीं मिलेगा। और अगर आपको मेरा स्टूडियो देखना है तो स्टूडियो वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना। आ मेरी जान। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैं हूं कटप्पा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुमित। यूट्यूब पर ऐसे यूट्यूबरों ने इतनी गंद मचा रखी है। किसे कह रहा? ना दादी आपसे ना कह रहा हूँ, भाई साहब थंबनेल पे 1.5 किलो सियाई से लिख रखा है कि आप ऐसे काम करो, वैसे वीडियो बनाओ, आपका रातों रात में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, जबकि खुद का चैनल दूसरों को चूतिया बना के मोनेटाइज करवाया है इन्होंने। और आप कभी भी अपने दोस्तों से कॉल करके मत बोला करो कि भाई वीडियो अपलोड की है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और 4 लोगों को बोल दे सब्सक्राइब कर दे। ऐसे कभी किसी को मत बोला करो कि सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो। अगर आपको सब्सक्राइबरों को बुलाना ही है तो कुछ इस तरीके से बुलाओ। और ये जो सब हो रहा है ना, ये सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। कोई भी आता है यूट्यूब पर चूतिया बना के चला जाता है, इसके लिए भी संविधान में कोई अलग से लॉ होना चाहिए। गुड क्वेश्चन। वाह मोदी जी वाह। आपके वाह वाह बोलने से काम नहीं चलेगा, इधर देश का युवा पूरे दिन यही देखता रहता है कि चैनल को वायरल कैसे करें। शर्म करो। जिस दिन ये यूट्यूबर ऐसी वीडियो बनाना बंद कर देंगे और आप लोग ऐसी वीडियो देखना बंद कर दोगे, उसी दिन इनका बिजनेस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप किसी भी यूट्यूबर के चैनल पे चले जाओ जो कि यूट्यूब पर सक्सेस होने के भाषण देते हैं, उनके चैनल पे व्यूज भर भर के आ रहे होंगे, लेकिन आपके चैनल पे सिर्फ बाबा जी का टुल्लू आ रहा है। ये भगवान क्या जुलुम है। और अगर आपको भी यूट्यूब पे वायरल होना है तो कुछ चीजें ध्यान से सुन लो।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे आपको एक घंटा नहीं 3 घंटे या फिर 5 घंटे ही थंबनेल बनाने में और सोचने में क्यों ना लग जाए। सेकंड ट्रिक, आपके रूम में बिल्कुल भी एको नहीं आनी चाहिए। मेरे रूम में फिर भी थोड़ी बहुत आ रही है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, जितना हुआ उतना लगा दिया। मैंने 55 एकोस्टिक फॉर्म लगा रखे 5,000 रुपए के, तब इतना सही हो पाया है। तो आपको अपनी ऑडियो क्वालिटी जरूर सुधारनी है। थर्ड, आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अभी मेरी भी लाइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं क्योंकि मैं सिर्फ 3 लाइट यूज कर रहा हूँ। फोर्थ ट्रिक, अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो लोग थंबनेल पे क्लिक करके आपकी वीडियो देखने तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका वीडियो अच्छा ना हुआ तो वो फिर कभी नहीं देखने वाले हैं। जब भी आप उनसे बोलोगे कि भाई साहब सब्सक्राइब दे दो, तो वो एक ही बात बोलेंगे, हम नहीं देगा, भूल जाओ। और जो ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको चूतिया बनाकर खुद मुकेश अंबानी बने जा रहे हैं, ऐसे यूट्यूबरों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है कि दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। ऐसे यूट्यूबरों से बढ़िया तो जोगिंदर है, कम से कम वो बोल तो देता है कि अगर मेरी औकात चेक करनी हो तो अपने पड़ोसियों से पूछ लियो। वो बात अलग है कि मेरे पड़ोसी उसे जानते तक नहीं है। जोगिंदर की अगर औकात चेक करनी हो ना, अपने पड़ोसियों से जाके पूछ लिए। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपका गुरु और आप मेरे चेले चपाटे हुए। चेले तो पता है पर चपाटे क्या होता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, एसईओ वगैरह कुछ नहीं होता, आप अपने कंटेंट पे फोकस करो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बोलो जय माता।